चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्क्वायर कॉइल ऑफ 10^-2 मीटर स्क्वायर एरिया इज प्लेस परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 10^3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। तो सबसे पहले एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए कॉस फाइव, और इसमें फाई क्या होता है, फाई एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो इसमें वर्ड यूज कर रहा है स्क्वायर कॉइल का एरिया इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द, एरिया परपेंडिकुलर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के। जैसे मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करूं, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब जो स्क्वायर है वो अगर परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इसका मतलब है ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, और अगर अगर रखा हुआ है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड तो ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है स्क्वायर। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दो में से एक, क्योंकि ये ओपन सरफेस एरिया है। और पैरेलल के केस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या तो इधर होगी या तो इधर होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, मैं एरिया वेक्टर बोल रहा हूं। और क्वेश्चन में एरिया स्क्वायर का एरिया परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ये वाला है और ये पैरेलल है। तो पैरेलल के केस में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल 90 डिग्री है, जबकि यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की इस वाले केस में फाई की वैल्यू जीरो है। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू प्लस 1 होती है, जबकि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा, जबकि क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बोल रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी की वैल्यू 10^3 वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया की वैल्यू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एरिया की वैल्यू 10^-2 और कॉस फाई की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा 10^1, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा 10 वेबर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, ए वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।